गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज सैटरडे है, मुहर्रम है और आज हमारी स्कूल की छुट्टी है। तो आज हम आराम से, मैं तो आराम से नहीं उठी, ये थोड़ा आराम से उठी। मैंने सुबह सुबह अपनी क्लास निपटा ली थी, नहा धो के पूजा वगैरह सब चीज़ हो गई और आज ये किचन में सारा नाश्ता वगैरह बना रही है। लंच भी मैंने अपने कमरे की साफ सफाई सब चीज़ कर ली, सब काम डन हो चुके हैं। बाहर का मौसम भी थोड़ा आज अच्छा हो रखा है, तो कल काफ़ी बारिश हुई थी रात में, इस टाइम मौसम अच्छा है। और यहाँ देखो मेरा सिम्बा सो रहा है, खाना वाना खा ले सो रहा है। आज हम इसको डॉग वाले स्टोर पे लेकर जाएंगे, डॉग स्टोर पे लेकर जाएंगे, इसकी कुछ लीच और हार्नेस वगैरह लेनी है। तो अब पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद बताती हूँ कि क्या प्लान से आ। मैंने नाश्ता कर लिया, थोड़ा लेट ही नाश्ता किया 12 बजे के बाद। और ये देखिए ये जनाब आए मुँह में ढक्कर लेके, मैं उसे खुजली कराना, ये जनाब चाहते हैं खुजली। हम इनके क्या है नाम आपके नौकर? अरे बाप रे, कोई चीज़ इसकी छीन न ले भाई, कुछ नहीं कराने के लिए कुछ भी काम करेगा। अभी इनको लेके हमें स्टोर भी जाना है, मैंने जैसे बताया था सर, तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद हम लोग। ये कुत्ता कहीं से भी क्यों। मैंने ऑटो कर लिया है और अभी सिम्बा को लेकर आ रही है मैं पहले ऑटो लेने के लिए गई थी ताकि उसको ज़्यादा नीचे वेट ना करना पड़े। सिम्बा आएगा, अभी देखना कितना भागेगा, इधर ऑटो में बैठेगा, इधर बैठेगा, इधर मुंडी निकाले। तो यहाँ पे आ गए हमारे सिम्बा जी, तो कितना लीच पुल करता है। हाँ, आ चुका सिम्बा, बहुत मुश्किल से इतना भगाया इसने, हालत ख़राब कर दिया खिड़की से। हम आ गए हैं जस्ट डॉग के स्टोर और सिम्बा ऑलरेडी अंदर जा चुका है वो। और ये आया है हमारी दीदी का डॉगी, मतलब हमारा रैम्बो। आओ आप भी शॉपिंग करने आए हो ना, चलो अंदर चलो। तो मैं इसी को बाहर पिक करने के लिए वेट करती हूँ, आ जाओ बस रैम्बो कम। पसंद करो, हाँ जी बाहर नहीं जा। तो यहाँ आते ये पूरा भाग रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था चीज़ें, कहाँ आया हूँ मैं ऐसे। मतलब डॉक्टर्स के पास तो ये जाते ही रहता है, बट डॉग स्टोर में फर्स्ट टाइम आया आज ये, इस तरीके से अपने लिए चीज़ें खरीदने। और फ्रेंडली हो गया जल्दी सब लोगों से, इतना प्यार मिल रहा था ना इसको, उतना ही प्यार लूट रहा था ये सब लोगों से। पर इसको चैन नहीं पड़ रहा था एक मिनट भी कि मैं बैठूँ। तो हमें इसकी लीच देखनी थी, तो हम कह रहे थे सिम्बा तुम भी पसंद करो, तुम्हें कौन सी लीच चाहिए? हाँ बस 2 ईयर होने वाला है। ये पपी कहाँ से? ये जब छोटा आया भी था तब भी इसका फेस बड़ा ही आया था। सिम्बा अरे अरे स्टे सिम्बा पहन लो। बहुत मारूंगी, नो पहन लो उसको। इतनी देर से भैया हाथ में लीच लेके घूम रहे हैं कि ये ट्राई करनी, बट ये शैतान भाग रहा है, किसी के हाथ नहीं आ रहा, सब लोगों को इसने बिठा दिया। देखो ये बॉल मिल गई, कुछ मिल गया, अब इसे लेकर भाग रहा है। ये भी छोड़ दिया, मुझे इसे पता नहीं क्या चाहिए। लीच पसंद कर लिया कि इससे ट्राई करनी है कि कैसी मतलब फिट आ रही है, बट ये टिकने का नाम ही नहीं ले रहा। सिम्बा की हार्नेस सिलेक्ट हो रही है, कौन सी पसंद करेगी? सिम्बा ये वाली पसंद आई आपको? हम देख रहे हैं पहना के सिम्बा को हार्नेस। देखो दोनों रैम्बो खेलो। अरे 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 क्या हो गया रैम्बो को आज? चलो 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 शॉपिंग कर लो। अरे नहीं भाई क्या हो, फाइट नहीं करेंगे, इतना चलता है। आज ये डर रहा है। नहीं 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 क्या हो गया? जम करेगा तो उसको भी जम करेगा।
सिम्बा को प्यार नहीं किया तुमने। ये दोनों भाई आपस में मिल गए। ये दोनों लीच पुलिंग बहुत करते हैं। वो सिम्बा तो सबको सूंघना। देखते देखते फॉलो करते करते फाइनली मुझे हुआ कि नहीं अब चलना चाहिए। रैम्बो यार, रैम्बो की ग्रूमिंग हो रही है। रिलैक्स रिलैक्स, वो देख मजे में, उसको भी लग रहा होगा मेरी ना हो जाए। देखो भैया का क्या हो रहा है यहाँ, भैया को बचाओ। यहाँ भी प्यार चाहिए। देखो हमारा रैम्बो थोड़ा सा परेशान हो रहा है ग्रूमिंग कराते वक्त, तो ये यहाँ पे चॉइस कर रहा है कि क्या लूँ, कुछ ढूंढ रहा है, कुछ मेरे काम की चीज़ मिल जाए। मैं सिम्बा के साथ एक्टिंग वाला गेम खेल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ हम जा रहे तुम्हें यहीं छोड़ के, तुम रहो, तो ये पागल हो गया है। बाय, जा रहे हैं घर। देखो भौंक रहा है, आपको लेकर नहीं जाएंगे कह रहा है, मुझे भी लेकर जाओ। He's so cute. न्यू हार्नेस लेके देखो कैसे चमक रहा है। यही रहो आप। तो हेयर कट होने के बाद अब हो रहा है रैम्बो की बात थी। तो यहाँ पे नाई नहीं कर रहा है अच्छे से। और कितना मतलब थोड़ा ना घबराया हुआ था ये काफ़ी। इसके लिए ऐसे इस तरीके से कराना फर्स्ट टाइम है, क्योंकि पहले ये गोरखपुर में था, जैसे कि आपने देखा है मेरे पहले के ब्लॉग में। जब मैं अंदर आ रही हूँ तो मुझे देख के भौंक रहा था कि जैसे बाहर ले जाओ। जा रही हूँ। हाँ मेरे बेटू अभी चलेंगे, जल्दी चलेंगे। तो बस अब यहाँ पे इसका ड्रायर हो रहा है। तो हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं रैम्बो को लेके, और मेरी बहन सिम्बा को लेके पहले आगे निकल गई क्योंकि उसको क्लास के लिए जाना था। तो पहले ऑटो में चली गई और मैं इसको लेकर आई। क्योंकि इसकी खुशी हुई है कि थोड़ा सा इसको पैम्पर करना ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा डर गया था हमारा बेचारा बच्चा, फर्स्ट टाइम इसको ऐसी ट्रीटमेंट मिली है। तो मैं घर पहुँच के फिर आपको मिलती। तो ये आ चुका है हमारा सिम्बा घर में, और देखो कैसे पड़ गया। घर की बात तो घर की होती है ना बेटा, एकदम अपने लीच हारने सबके साथ एकदम जीप को पूरी बाहर निकाल के, और एकदम से एक्साइटेड हो जाता है, कभी कभी नीचे लेट जाता है, जाके पानी पीता रहेगा। पानी पीता भी नहीं है उसमें, पता नहीं पैर ही धोता रहता है। चलो सो जाओ। और नींद में थे आप? चलो आप रेस्ट करो, ठीक है, मैं भी थक गई हूँ, आप भी, ठीक है। सारे प्रोसेस में लग गए कम से कम 3-4 घंटे, और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। डॉग्स को बाहर ले जाना और लाना और उन्हें संभालना इतना भी ईजी नहीं होता, वो भी इतना एक्टिव है, और दोनों ही बहुत एक्टिव थे। तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं रेस्ट करूँगी और ये व्लॉग यहीं एंड करूँगी। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।